बहुत सारे लोग जो रिसेंटली इस एरिया में आए हैं या नए वोटर हैं या पहली बार वोट कर रहे हैं, वो लोगों ने अक्सर मुझसे ये पूछा कि मैं कौन से वार्ड का हूँ। वैसे ये सारा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन फिर भी जस्ट टू यानी थोड़ा सा सहूलत कर दूँ लोगों के, इसीलिए मैंने इस मैप्स को बताने की कोशिश की है। एक बात समझ लें, आप जिस भी वार्ड के हों, आपको वही वार्ड का बैलेट पेपर आएगा, आपको दूसरे बैलेट पेपर नहीं आएंगे। तो अगर आप शेफी के हो तो आपको शेफी का ही वह बैलेट पेपर आएगा और आपको उसी वोट करना पड़ेगा। आप दूसरे वार्ड के लिए वोट नहीं कर सकते, ना ही आपको दूसरे वार्ड का बैलेट पेपर आएगा। ये मैप्स ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन जस्ट अगर एक रफ आइडिया दें तो ये हैरिसन वार्ड है। ये सारा क्रीक के लंबान चलते हुए, मॉरिस रोड के होते हुए, फ्रीवे होते हुए, ये सारा समंदर तक जाएगा। इसमें मेजरली सेंचुरी लेक्स, पॉइंट कुक, एलामेंडा, विलियम्स लैंडिंग, शोगनीना और लेविटन का ऊपरी हिस्सा हिस्सा आ रहा है। नेक्स्ट अगर आप लेंगे शेफी देखेंगे तो मॉरिस रोड की ऊपरी हिस्सा, क्रीक के इस तरफ का हिस्सा बाउंड्री रोड, और वो जो ऊपर वाली क्रीक है उस सारा बाउंड्री शेफी वार्ड में आ रहा है। एंड अगर आप इरमू देख रहे हैं, इरमू एरिया वाइज काफ़ी सबसे बड़ा है, लेकिन वोटर्स इसमें काफ़ी सबसे कम हैं। ये समंदर का पूरा निचला हिस्सा, ऊपरी हिस्सा लिटिल रिवर के करीब, और आइंसबर्ग का पूरा हिस्सा इरमू में आता है। मैं समझता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आपके दोस्तों तक पहुँचाइए। हम सब की कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग में हिस्सा लें और कम से कम इनफॉर्मल वोट करें। आई होप आप सब मेरी मदद करेंगे इस अवेयरनेस को क्रिएट करने में। एंड इंशाल्लाह हम लोग एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करें जिसको कहते हैं विंडम वोट रिस्पॉन्सिबली। इसका मतलब ये है कि आप वोटिंग में पार्टिसिपेट करें, ना कि बस पार्टिसिपेट करें, बट एट द सेम टाइम कोशिश करें कि सही वोट करें, क्योंकि अगर सही वोट नहीं करेंगे तो वो कंसिडर ही नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।